अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर डे विद अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। सो गाइस, हाउ आर यू ऑल? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही यमी गाजर के हलवे की रेसिपी। तो जी, ये मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी श्रेडेड मोज़रेला चीज़ 2 kg की, और इस बार मैंने श्रेडेड मंगाई थी, हमेशा मैं ब्लॉक में मंगाती हूँ। और जी, यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए मंगाए थे कॉर्न्स, जो कि बच्चों के बहुत ही मोस्ट फेवरेट हैं ये, और जब भी वो लेट नाइट मूवीज़ देखते हैं ना, तो ये पॉपकॉर्न तो ज़रूर बनवा के खाते हैं। तो जी, बस मैं इसे जार में फिलअप करके रख रही हूँ। और ये था रात का वक्त, और रात के वक्त हम आ गए थे बाहर डिनर करने अपना, और डिनर में हमने मंगवाई थी बिरयानी, जो कि मेरे बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट बिरयानी है ये यहाँ की, और हम अक्सर यहाँ पर बिरयानी खाने आते रहते हैं, आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा। और बस बिरयानी खा के और पान लेके फिर हम घर की तरफ चले जाएंगे। तो जी, बस आ गए थे हम घर, और घर आके मुझे बनाना था गाजर का हलवा। और यहाँ देखें, मैं गाजर जो है सब छील के, और यहाँ मैंने कद्दूकस कर लिए गाजरों को, और ये देखें इस तरह मैंने गाजर को कद्दूकस किया है। और ये तकरीबन 4 किलो है ये गाजर ना मेरे पास। तो बस अब यहाँ मैं एक कढ़ाई ले लूँगी, कढ़ाई गरम करके जितनी भी मैंने गाजर जो कद्दूकश की थी ना, ये सब मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगी। और इस गाजर को हमें इतना पकाना है कि इस गाजर का जितना भी पानी है ना, वो एवोपरेट हो जाए, यानी कि गाजर का जो अपना पानी गाजर छोड़ेगी वो सब ख़त्म हो जाए। और इस प्रोसेस में आई थिंक मुझे 20 से 25 मिनट लगे थे गाजर के पानी को सुखाने में। आप डायरेक्ट जो होता है, हम देखा होगा अपने रेसिपीज़ में कि गाजर डालते ही दूध डाल देते हैं और फिर उसको पकाने रख देते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो ये जो प्रोसेस बता रही हूँ ना, ये झटपट गाजर का हलवा बन जाएगा। तकरीबन हाफ आवर तकरीबन मुझे लगा था ये बनाने में गाजर का हलवा। तो जी, बस यहाँ देखें पानी एवोपरेट हो चुका है, और गाजर ये देखें भुन इतनी हो चुकी है, यानी कि पूरी कढ़ाई फुल थी और अभी तकरीबन आधी कढ़ाई हो चुकी है पानी इसका खुश्क होने के बाद। अब यहाँ मैंने 2 कप्स के बराबर जो है मेरे पास मग है, इसका मैंने ये पूरा एक मग भर के मैंने दूध डाला है, और ऑलपर दूध भी मैंने डाला है, पूरा डब्बा मैंने ऑलपर दूध का भी डाला था। तो बस ये डाल के और मैं इसे 10 मिनट तक चलाऊंगी, ताकि दूध जो है गाजर के साथ अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। देखें हमारा दूध अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चीनी। चीनी तकरीबन मैंने 1.5 से 2 कप यहाँ ऐड की थी, और आपको जितना मीठा अच्छा लगता है गाजर का हलवा, आप उतनी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून घी ऐड किया था, और 3 टेबल स्पून घी ऐड करने के बाद यहाँ मैंने इलायची जो है ना, उसको पीस के डाली थी। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने क्रश करके ना इलायची, ताकि मुँह में आती ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगती हलवे में, तो इस वजह से मैंने क्रश कर दी थी। अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है खोया और मेवा, और मुझे खोया इस स्टेज पे कम लगा था, तो मैंने आगे जो है ना खोया और ऐड कर दिया था। तो बस यहाँ पे फिर मैं खोया और ये करके ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह और मिक्स करूँगी। और अब मुझे इसकी करनी है भुनाई, ताकि जो हमारे गाजर के हलवे में जो हमने घी ऐड किया था ना, वो घी हमारा अलग हो जाए, और जो गाजर का हलवा है ना, हमारी कढ़ाई को छोड़ दे। तो बेस्ट भुनाई का तरीका यही होता है, जब हमारा कोई भी हलवा हम भूनते हैं तो वो हलवा जो है ना, वो पैन को बिल्कुल छोड़ दे और बिल्कुल अलग हो जाए, तो समझ ले हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। तो बस चलें, मैं भुनाई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
जी हमारी यहाँ भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और जो गाजर का हलवा है वो कढ़ाई से बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा, तो ये है भुनाई की पहचान। तो बस अब यहाँ असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग में मैंने जो खोया ऐड किया था वही डेकोरेट किया है, और पिस्ते बादाम डाले हैं ऊपर से, और चांदी के वर्क से डेकोरेट कर दिया है, ताकि गाजर का हलवा खाने से ज़्यादा दिखने में भी हमें अट्रैक्टिव लगे। तो गाजर का हलवा बहुत ही मज़ेदार बना था, सबको बहुत पसंद आया था। आई होप आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा बना के। तो जी बस यहाँ पर मैं छुआरों की जो गुठलियाँ होती हैं ना, उन्हें कट करके मैंने निकाल दी हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मुनक्के थे मेरे पास, इसकी भी मैंने बीज निकाल दी हैं, और इन्हें मुझे रात भर रखना था पानी में डिप करके, क्योंकि मुझे सेकेंड डे बनानी थी अचवानी, और जो कि बहुत फ़ायदेमंद है और सर्दियों में सबको ही पीनी चाहिए, जो हमारे बोन्स के लिए बहुत हेल्दी होती हैं। तो बस यहाँ पे मैं डिप करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे दूसरे दिन इसे ब्लेंड करना था। तो कैसे लगा आज का व्लॉग? आई होप अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।